भारत देख रहे हैं, आप जुशान आपके साथ। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर पूर्व टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा के नाम पर मुहर लग गई है। एनसीपी नेता शरद पवार की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। इस बैठक में यशवंत सिन्हा भी मौजूद थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम सभी विपक्षी दलों ने मिलकर फैसला किया है कि राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा हमारे उम्मीदवार होंगे। यशवंत सिन्हा आईएएस की नौकरी छोड़कर पॉलिटिक्स में एंट्री मारी थी, केंद्र में मंत्री रहे हैं, कई महत्वपूर्ण विभाग के केंद्रीय मंत्री रहे हैं और टीएमसी ज्वाइन किया बाद में। बड़ी खबर तो यह है इस समय की कि संयुक्त उम्मीदवार विपक्ष के यशवंत सिन्हा, कांग्रेस ने भी समर्थन कर दिया है यशवंत सिन्हा के नाम पर मुहर, गठबंधन की तरफ से, विपक्ष की तरफ से आप यूं कहें तो वो लग चुका है। और ये हम जीएफएक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि कैसे अपने करियर की शुरुआत। हजारीबाग से 3 बार सांसद रहे यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा होंगे राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार। कांग्रेस भी अब इस पर राजी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।